अस्सलाम वालेकुम पागलिस, मेरा नाम है निशान और हाज़िर हैं आज एक बड़ी ज़बरदस्त DIY वीडियोस लेके। आज आपको मल्टीपल DIY दिखाएंगे और कुछ प्रो टिप्स देंगे। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम के साथ साथ हम हमेशा गाड़ी में कहते हैं कि यार क्या चीज़ ऐसी की जाए कि जिससे हमारा कूलिंग सिस्टम जो है एफिशेंट रहे, जिससे गाड़ी के कूलिंग सिस्टम की लाइफ बढ़े और आपको रोड के बीच में खड़े होकर हीटअप इशू फेस ना करना पड़े। रेडिएटर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये फुल जंग से भर चुका हुआ है। कूलेंट बेसिकली एंटी रस्ट मिक्सचर फॉर्मूलाज होते हैं, वो कूलिंग सिस्टम के अंदर कंपनी की तरफ से इसीलिए डल के आते हैं ताकि इसके अंदर जितने भी मेटल पार्ट्स हैं उनको जंग ना लगे। अगर आपने यूज़ में गाड़ी ली है और यूज़ में गाड़ी लेने के बाद उस वो पानी पे शिफ्ट है और उसके भी हालात इससे ही मिलते जुलते हैं, तो उसका प्रॉपर हल जो है वो आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे गाड़ी हमारी ठंडी हो, हमने क्योंकि इसका पानी जो है निकालना है, इसको साफ़ करना है, देन इसको कूलेंट पर शिफ्ट करना है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त DIY प्रोडक्ट थी, लायन का रेडिएटर क्लीनर था, जो फ्लश सिस्टम है जो आपको इजीली मिल जाता है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के अंदर मेंशन कर देंगे। तो गाड़ी के अंदर ऑलरेडी पानी है, पानी की हालात आपको दिखा देते हैं कि फुल जंग से भर चुका हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना रेडिएटर फ्लश जो है वो इसके अंदर डालेंगे ताकि इसकी जो है सफाई वो शुरू हो जाए। रेडिएटर फ्लश हम थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि जब हम ये बहुत एक्सट्रीम गंदा है तो हम अपना थोड़ा सा जो फ्लश है वो बचा लेंगे ताकि हम इसको सेकेंड राउंड दे सकें। फ्लश डालने के बाद रेडिएटर कैप को हम वापस अच्छे से बंद कर देंगे और गाड़ी को तकरीबन 10 मिनट तक आइडल पे रहने देंगे। तो सो फार अभी तक हमें इस DIY को करने के लिए मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है स्ट्रेट फेस का और एक नोज़ प्लास है जो अभी हम लेटर ऑन इसमें यूज़ करेंगे जब इसको हमने फ्लश के लिए खोलना होगा। गाड़ी के तकरीबन फ्लश डालने के लिए तकरीबन कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे। इसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी का अगर थर्मोस्टेट वाल्व है वो अगर गाड़ी के अंदर ही है तो वो आपको मैकेनिकली पहले खोलना पड़ेगा। इस गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व निकला हुआ था। थर्मोस्टेट वाल्व बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है गाड़ी के अंदर कि वो आपके वाटर टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज़ करता है, वहाँ पर होल्ड करता है। जब टेम्परेचर ऑप्टिमाइज़ हो जाता है वो वाल्व लिफ्ट होता है, लिफ्ट होता है तो वो पानी रेडिएटर की तरफ जाता है और ठंडा होकर दोबारा वापस आके वहाँ पे बंद हो जाता है। ये वाल्व रिस्पॉन्सिबल होता है हीटर चलाने के लिए भी कि अगर आपकी गाड़ी का हीटर नहीं चलता तो वो वाल्व ना होने की वजह से जो है आपका पानी गर्म हो ही नहीं पाता। हमारा टेम्परेचर एक दफ़ा ऑप्टिमाइज़ हो गया, हमारा ऑटोमेटिकली फ़ैन चला था और ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो एक राउंड को ड्रेन करने के लिए अब हम रेडी हैं। ये फ़ैन बंद होगा तो हम गाड़ी बंद कर देंगे और तो इसको अब हम करेंगे ड्रेन। गाड़ी बंद करने के बाद हम सबसे पहले अपने प्रेशर पाइप से टेम्परेचर देख लेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि ये पानी इस वक्त बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर होता है तो ये काफ़ी गर्म होगा, इसकी एहतियात आपने रखनी है। इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने देंगे। मीनवाइल इसके नीचे हमारा ये वाला पाइप है को खोल देंगे। लोअर पाइप ड्रेन करने के बाद आपने देखा कि अंदर से काफ़ी सारा संदल का शरबत निकला, तो अब टैप वाटर लेंगे ताकि हमारे रेडिएटर का जो गंद है वो एक दफ़ा पहले ही निकल जाए, इंजन के अंदर ना जाए। टैप वाटर हम तब तक चलाएंगे जब तक रेडिएटर के अंदर से साफ़ पानी आना शुरू नहीं हो जाता। हमारे लोअर पाइप में अब तकरीबन साफ़ पानी आना शुरू हो गया है, रस्टेड पानी जो है इस टाइम सारा बाहर आ चुका है। अब नीचे का पाइप वापस एक दफ़ा चढ़ा लेंगे ताकि हम अपना सेकंड राउंड जो है फ्लश का वो दे सकें। टैप वाटर से इसको फिल कर देंगे और सेकंड राउंड देंगे। तो सेकंड राउंड देते हैं इसको। तो दो दफ़ा हमने रेडिएटर को फ्लश करने के बाद अब जो इसकी एक्सटीरियर साइड है उसको साफ़ करें क्लीनर के साथ। टैप वाटर देंगे ताकि रेडिएटर में से रिमेनिंग रेजिड्यू सारा नीचे से ड्रेन हो जाए। अभी हमने नीचे का वाल्व खोला हुआ, नीचे का पाइप। टैप वाटर हम तब तक चलाएंगे जब तक रेडिएटर के अंदर से साफ पानी आना शुरू नहीं हो जाता। हमारे लोअर पाइप में अब तकरीबन साफ पानी आना शुरू हो गया है।
अब आते हैं कूलेंट्स की तरफ। मार्केट में हमें दो किस्म के कूलेंट नजर आते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेट और एक होते हैं प्रीमिक्स्ड। प्रीमिक्स्ड वो है जिसके अंदर ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर है और वो रेडी टू यूज है। कंसंट्रेट वो होते हैं जो आपको रॉ फॉर्म में मिलते हैं और आप उसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर उसकी डिल्यूशन रेशियो मिक्स करके गाड़ी में यूज करते हैं। मैं आपको बड़ा यूजर फ्रेंडली बहुत प्राइस इकोनॉमिकल कूलेंट दिखा रहा हूँ जो कि अल्फा सीरीज का कूलेंट है। अल्फा जो है इसके अंदर आपको दो कलर्स मिलेंगे मार्केट के अंदर, रेड और ग्रीन। तो अल्फा को हमने ओवरनाइट फ्रीजर में रखा, दो दिन ये फ्रीजर में पड़े रहे और ये फ्रीज नहीं हुए। दैट मीन इसका एंटी फ्रीज जो मॉलिक फॉर्मूला है वो परफेक्टली ठीक है। ये कूलेंट आपको रेडिएटर को इस तरह के रस्ट से बचा देगा। ये सिर्फ कोर पर्पस इस कूलेंट का इन गाड़ियों के अंदर सिर्फ यही होता है कि इसके जो कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर रस्ट ना आए। तो ये प्री मिक्स कूलेंट है, इसके लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, आप घर बैठे ये हासिल कर सकते हैं इजीली डोरस्टेप के ऊपर। ये प्री मिक्सड है, रेडी टू डिल्यूट है। आप इसमें तीन डलें, चार बॉटल्स डलें, हम इसको कूलेंट के साथ टॉप अप करते हैं। कूलेंट डालते हुए हम हमेशा स्पीड अपनी थोड़ी स्लो रखेंगे ताकि डालने के टाइम इसमें एयर ना आए। हमारा कूलेंट जो है टॉप लेवल तक आना शुरू हो गया। हम वाइज ये है कि गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे ताकि कूलेंट की सर्कुलेशन पूरी गाड़ी में चलनी शुरू हो जाए। थर्ड बॉटल अल्फा कूलेंट प्राइम। कूलेंट हमारा टॉप अप हो गया। बाकी का जो रिमेनिंग कूलेंट है वो हम अपनी ट्रंक के अंदर रख लेंगे और एक से दो दिन जब जितना एवरेज गाड़ी फॉर एग्जाम्पल 15-20-25 किलोमीटर चलाने के बाद हम इसको एक दफ़ा फिर टॉप अप कर लेंगे ताकि कूलेंट जो है हमारा पूरे कूलिंग सिस्टम के अंदर सेटल डाउन हो जाए, एयर निकल जाए और गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है वो टॉप अप हो जाए। लास्ट में रेडिएटर कैप जिसको आपने साफ़ करके ये यूज़ करने के लिए रेडी है। रेडिएटर कैप की हमेशा आपने निशानी ये रखनी है कि इसका स्प्रिंग होता है जो कि जंग की वजह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब कूलिंग सिस्टम में प्रेशर बनता है तो ये लिफ्ट होता है, ये एयर टाइट करता है। तो वाइज है कि रेडिएटर कैप अगर आपका ख़राब है तो आप ब्रांड न्यू लेके डाल सकते हैं। तो हमारी गाड़ी पानी से कूलेंट की तरफ आ चुकी है। इसका जितना रस था इस गाड़ी के अंदर, जितना गंद था वो हमने ड्रेन कर दिया। तो इस तरह से आप गर्मियों के अंदर शुरू होते ही सीज़न में गाड़ी को पानी से कूलेंट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने कूलिंग सिस्टम की लाइफ बढ़ा सकते हैं, जो कि लेटर ऑन आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेंगी। चलो हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम एक और प्रो टिप के साथ। तब ड्राइव सेफ एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। अल्लाह हाफिज़।